हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जिन्हें भारत का लोक कलाकार भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे यामिनी राय के बारे में, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल के बकुड़ा जिले के बनियातोल नामक ग्राम में हुआ था। यह एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक राज, स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में जिसका नाम है एमके अल्ट्राज क्लास। तो यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल के बकुड़ा जिले के बनियातोल नामक ग्राम में हुआ था। जब वो 16 साल के थे तब उन्हें कलकत्ता में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ने के लिए भेजा गया। उसमें बंगाल के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर वहाँ पर उप प्रचार के रूप में कार्यरत थे। 25 मार्च 1949 में इन्होंने दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की तथा वहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान भी दिया तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। इसी के चलते महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा भी दी थी और यूरोपीय कलाकारों ने इसे भारतीय कला का पैगंबर भी कहा था तथा इन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित एक श्रृंखला तैयार की जिसे इन्होंने अपनी निजी शैली पे बनाया था। यामिनी राय का प्रमुख माध्यम टेम्परा माध्यम था। यामिनी राय ने 1940 में बिल्लियों पर विभिन्न चित्र बनाए थे जिसमें से मछली दवाई बिल्ली केकड़ा और लोमड़ी जैसे कुछ चित्र शामिल थे। अब बात करते हैं इनके 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। यामिनी राय पश्चिमी कलाकार वॉन गॉग तथा माने से प्रभावित थे। इन्होंने ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण भी किया था। एमएफ हुसैन से पूर्व इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1950 में ACA गैलरी न्यूयॉर्क में लगी थी। 24 अप्रैल 1972 में कोलकाता में इनका निधन हो गया था। अब हम बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में, जिनमें केकड़ा दबाए बिल्ली, पुजारिन, कृष्ण और बलराम, संथालों के साथ ढोलकिया, कृष्ण और गाय, ईसु, ऐसे ही प्रमुख चित्र शामिल हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा।